प्रॉपर्टी लिंग इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एबीसी कोई दो कॉन्स्टेंट हो तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी ट्री विल बी इक्वल टू तो, ए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफटी प्लस बी इन टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी ये सिंपल प्रॉपर्टी है और ये डायरेक्टली फॉलो होता है क्योंकि इंटीग्रेशन जो हमारा होता है वह लिनिय प्रॉपर्टी को होल्ड करता है इसीलिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी जो होगा वह लिनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी जिसे हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसका इसके अकॉर्डिंग इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी का मुझे पता हो स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू दी पावर ए टी एफ टीवल टू एफ आर एस माइनस ए इट मीन्स जो एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है जैसे यहाँ हमारा एफ यह आर एस था उसमें हम लोग एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू ऑप्टन द्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू दी पावर ए टी इन टू साइन बी टी वी नो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी इक्वल टू बी बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी का यह लेप्लास ट्रांसफॉर्म है अब मुझे कौन सा लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है नाउ वी आर गोइंग टू द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू पावर ए टी इन साइन बी टी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं साइन बी टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म मिला है उसमें हम लोग एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इ टू दी पावर ए टी साइन बी टी इक्वल टू बी बाय एस माइनस ए पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम और सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम हुई ऑल्सो नोन एज हेवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम दिस स्टेट्स दैट इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज नोन लेप्लास ऑफ़ अगर यह मुझे पता हो और कोई फंक्शन जी टी रूप में डिफाइन है एफ टी माइनस ए टी इज ग्रेटर और जीरो टी इज लेस देन टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए एस एफ बार एस प्रूफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वल टू बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी टी जीरो टू ए टू पावर माइनस एस टी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी टी क्योंकि यहां हमारा ए डिस्कंटिन्यूस पॉइंट हो रहा था इसलिए डिफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम लोगों ने पूरे जो इंटरवल हमारा था जीरो से इन्फिनेटी उसको दो पार्ट में सब डिवाइड कर दिए जीरो से ए के बीच में और ए से इन्फिनेटी के बीच में जीरो से ए के बीच में मीन्स वेन एफ टी इज लेस देन एफ टी इज जी टी इज गिवन टू बी जीरो बिकम जीरो और ए टू इन्फिटी के बीच में इसका वैल्यू है एफ टी माइनस ए यह हमारा इंटीग्रेटिंग लिमिट क्या है ए से इन्फिटी लेप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑप्टन करने के लिए यहां मुझे जीरो होना चाहिए इसलिए मैंने जीरो लाने के लिए सब्सिच्यूट कर दिया टी माइनस ए इक्वल टू यू इससे हमारा इंटीग्रेटिंग लिमिट चेंज होकर हो गया जीरो टू इन्फिटी ई टू पावर माइनस एस यू माइनस यू प्लस ए अगर आप टी के बदले में यू प्लस ए सब्सिट्यूट करेंगे तो एफ यू डी यू ई टू दी पावर माइनस एस ए कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर लिए जीरो टू इन्फिनी e की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है देर फोर ई टू पावर माइनस s एफ बार एस प्रूव दिस शोज दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू ई टू पावर माइनस ए एस एफ बार एस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मीन्स अगर किसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता हो मींस इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्री इक्वल टू एफ बार एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी विल बी वन बाय ए एफ बार एस मीन्स अगर मुझे एफ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है सपोज ये एफ बार एस के बराबर है तो कोई फंक्शन जो ए टी का है अगर एफ टी का मुझे पता है कोई फंक्शन जो ए टी का कोई फंक्शन है तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वन बाय और जो एफ टी का लेप्लास है एफ बार एस उसमें हम लोग एस को रिप्लेस कर देंगे एस बाय से नीचे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा एल कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस टू बाय एस एस स्क्वायर प्लस फोर इट इज गिवन उट्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्टी अब अगर हम चेंज ऑफ स्के स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं तो उसमें मुझे क्या कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन काम मुझे पता हो ईफ लेकिन क्या है कॉस स्क्वायर को अगर एफ टी एज्यूम करता हूँ इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है कंपेयर आप इसको इससे कर सकते हैं ये भी है बराबर हो जाएगा वन बाय बाय बार एस बायस एस एफ बार एस में एस को एस बाय से रिप्लेस करना है तो जहां जहां हमारा एस आ रहा था एस यहां था यहां लिख दिया एस ए बाय टू पर स्क्वायर प्लस टू बाय सिमिलर वे में सस्टिट्यूट कर दिए एस के स्थान पे एस प्लस ए इससे हमारा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इज द रिक्वायर्ड रिक्वास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल सॉरी स्क्वायर अगर कोई फंक्शन एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता हो तो उसके डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जो इस तरह से है इफ एफडी बी कंटिन्यूस ये कंडीशन दिया गया है एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डेस्टी मीन डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू एस एफ बार एस एफ बार एस क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो प्रोवाइडेड लिमिट टी टर्स टू इन्फिनेटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी इक्वल टू जीरो दिस रिजल्ट में बी जर्नलाइज laplace transform of f n t where f n t means n derivative of f t equal to s to the power n f bar s minus s n minus 1 f 0 minus s n minus 2 f dash 0 so on f n minus 1 0 f to the power n minus 1 0 n minus 1 means n derivative of f n minus 1 derivative of f इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्री साइन ओमेगा टी इक्वल टू टू ओमेगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इल्यूएड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी हम लोगों ने मान लिया की एफ टी हमारा टी साइन ओमेगा टी के बराबर है अगर आप एफ टी को डिफेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एफ डे टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी का डिफेंसिएशन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इसका टी साइन ओमेगा टी को हम डिफेंसिएट कर रहे हैं ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी अब एफ टी है एफ जीरो टी के स्थान पे जीरो रखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जिसे हम लोग एफ बार ऐसे डिनोट करते हैं यह दिया हुआ है हमारा इट इज इक्वल टू टू ओमेगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर नो वी हैव टू फाइंड आउट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी व्हाट वी सी हियर इट इज इक्वल टू एफडेटी मीन्स वी हैव टू द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफडेस्टी जिसका फॉर्मूला मुझे पता है इट इज इक्वल टू एस एफ बार एस माइनस एफ इज एस मल्टीप्लाइड विथ एफ बार एस का वैल्यू टू ओमेगा एस बायस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय टू